हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम आगे का पढ़ते हैं। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके थे कि हम इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में उसके सावधानियाँ क्या क्या बरतनी चाहिए, और हम विद्युत उपचार, प्राथमिक उपचार में कृत्रिम विधियाँ प्रचलित है, कृत्रिम विधि, सिल्वेटर विधि, सेपर विधि और मुख से मुख हवा भरने के लिए। इसके बाद हम चलो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम आगे अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है अग्निशामक यंत्र या अग्निशमन। अग्निशमन क्या होता है? अग्निशमन प्रयोगशाला में जैसे कि लाइट वगैरह के शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग जाती है, उससे बचने के लिए अग्निशामक यंत्र का होना आवश्यक है। अग्निशामक क्या होता है? अग्निशमन प्रयोगशाला में अग्निशामक यंत्रों को रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि विद्युत के शोर या शॉर्ट सर्किट अथवा किसी प्रकाश किसी कारण से प्रयोगशाला में लगी आग को रोकथाम कर लगी आग को बुझाने के लिए आवश्यकता होती है। आग की रोकथाम के लिए अग्निशामक यंत्र के रूप में जिस यंत्र होना रेत, पानी आदि का प्रयोग किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में हम 3-4 तरह के अग्निशामक यंत्रों को पढ़ेंगे। इसमें पहला होता है कि इस अग्निशामक यंत्रों को पढ़ेंगे। इसमें पहला होता है अग्निशामक यंत्र, इसमें होता है जल युक्त अग्निशामक यंत्र। इसमें पहला प्रकार आता है जलयुक्त अग्निशामक यंत्र, जल युक्त अग्निशामक यंत्र। यह एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तुओं को बुझाया जाता है। इस प्रकार के यंत्र में वायुदाब के साथ जल भरा रहता है, एक लेयर को दबाने के लिए जल की बौछार पैदा की जाती है जिससे आपको बुझाया जा सकता है। दूसरा आता है झाग पैदा करने वाले अग्निशामक यंत्र या फोम टाइप फायर एक्सटेंसिव इंस्ट्रूमेंट। इस प्रकार के यंत्र में पानी की बुछार के साथ साथ झाग भी पैदा होता है। झाग बनाने के लिए खनिज तेल, साबुन आदि पदार्थ को वायु दाब के साथ जल में भरा जाता है। फोम टाइप अग्निशामक यंत्र को श्रेणी बी प्रकार में रखा जाता है। इसको कहते हैं बी टाइप या बी टाइप वाले अग्निशामक यंत्र। तीसरा था शुष्क चूर्ण वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ साथ चूर्ण भरा जाता है। यह चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता है, न ही ज्वलन में सहायक होता है। चौथा प्रकार आता है शुष्क पाउडर वाला अग्निशामक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में NaCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 तथा भरा जाता है, और इस कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल स्टेशो भरा जाता है। बोतल के ऊपर एक धातु बोल्ट इस प्रकार लगाया जाता है कि यंत्र को चोट करने या उल्टा करने पर पर्स पर डालने की से कांच की बोतल टूट जाती है तथा सोडियम बाइकार्बोनेट व अम्ल आपस में क्रिया करके CO2 गैस बनाते हैं, और यह क्रिया तीव्रता से बाहर यह गैस तीव्रता से बाहर निकलती है और आपको मुझे दी थी। इसकी समीकरण होती है 2NHCO3 प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस CO2 प्लस CO2। इसके बाद आता है कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला अग्निशामक यंत्र। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्राक्लोराइड अथवा मीथेन नामक द्रव वायु के साथ भरा जाता है। अब यह पढ़े हमने अग्निशामक यंत्र मुख्य 4 प्रकार आते हैं। अब हमें ये पढ़ना होगा कि अग्निशामक यंत्रों का कौन सी आग के लिए कौन सा वाला अग्निशामक यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। चलो इसके लिए हम पढ़ेंगे अग्नि के प्रकार और अग्निशामक यंत्रों में श्रेणियाँ। सबसे पहले पढ़ेंगे अग्नि के प्रकार। अग्नि के प्रकार में आते हैं अग्नि हम मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। श्रेणी ए अग्नि, क्लास ए आग, श्रेणी बी अग्नि, श्रेणी सी अग्नि, श्रेणी डी अग्नि। श्रेणी एक अग्नि होती है जैसे कि लकड़ी, कागज, कपड़ा, जूट आदि से लगी हुई आग को शीतल जल की बौछार काम में ली जाती है, इसमें श्रेणी ए जलयुक्त अग्निशामक यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। दूसरी होती है श्रेणी बी अग्नि, इसमें क्लास बी ज्वलनशील द्रव्य जैसे टोस, द्रव, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल आदि से लगी आग इस श्रेणी में आती है। इस अग्नि को कार्बन डाइऑक्साइड वाले अग्निशामक यंत्र द्वारा बुझाया जाता है। तीसरा प्रकार आता है श्रेणी सी अग्निशामक यंत्र, जैसे कि सिलेंडर आदि में भरी LPG गैस में लगी आग के विस्फोट होने की संभावना होती है। इस आग को बुझाने के लिए शुष्क चूर्ण प्रयोग में लिया जाता है। यह शुष्क चूर्ण वाला अग्निशामक यंत्र प्रयोग में लिया जाता है। अगला था श्रेणी डी अग्निशामक यंत्र। यह श्रेणी डी अग्नि विद्युत के तारों, उपकरणों
विद्युत के तारों, उपकरणों एवं ध्वनिक पदार्थों में लगी आग को बुझाने के लिए CO2 शुष्क चूर्ण व CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड युक्त अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। ये होता है हमारे मुख्यतः अग्नि के प्रकार। वह हमें अग्निशामक कौन सी आग से लगी हुई कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग करना होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मानक और मानकीकरण। मानक क्या होता है? जैसे कि मानक वो होता है जैसे कोई स्टैंडर्ड राशियाँ होती है मानक के लिए, किसी स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्डाइजिंग जी तो मानक होता है किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, किसी मात्रा का इकाई मान, किसी उत्पाद का आकार एवं कार्य वितरण आदि का निर्धारण रूप मानक कहलाता है। अगर सीधे शब्दों में कह सकते हैं किसी पद की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, उसे मानक के जैसे कि मात्रक भी माना जा सकता है। जैसे कि हम कह सकते हैं किलोग्राम को एक मानक या मात्रक मानते हैं, जैसे कि एक एम्पियर बराबर होता है 6.24 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन। दूसरा था मानकीकरण। मानकों के निर्धारण युक्त संस्थान के द्वारा किया जाता है, यह संस्थान का कार्य मानकीकरण कहलाता है। भारत में ISI इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट मानकीकरण कहलाता है। ISI के कुछ महत्वपूर्ण नियम हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ISI के कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं कि मात्रक प्रतीकों के एक वचन बहुवचन एक ही होने चाहिए, जैसे 5 एम्पियर, 10 kg, 100 kg। दूसरा, एक से अधिक शब्दों में वाले चारों के छोटे नामों में पूर्ण विराम या डॉट लगा, जैसे LED, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और LED। AC और DC जैसे छोटे नामों में क्या होता है, AC और DC जैसे छोटे नामों में विश्लेषण के तौर पर प्रयोग किया जाता है, जैसे अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट AC और DC। प्रकाश का वेग क्या होता है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसके बाद आता है विद्युत आवेश। ये हम विद्युत आवेश के बारे में भी पढ़ लेते हैं। चलो यहाँ पे विद्युत आवेश होता है, आवेश का मूल गुण है कि जिसे द्रव्य से अलग अलग करना संभव होता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश पॉजिटिव और ऋणावेश। धनावेश क्या होता है, किसी पिंड का कण पर पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की कमी पर जो आवेश उत्पन्न होता है वो धनावेश कहलाता है। अर्थात वे कण जिसमें परमाणु पर प्रोटोनों की संख्या अधिक हो जाती है उसे धनावेश कहते हैं। धनावेश होते हैं और ऋणावेश, और दूसरा होता है ऋणावेश। पिंड या कण द्वारा पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की अधिकता को ऋणावेश कहते हैं, जिससे परमाणु इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है और इलेक्ट्रॉन ऋणावेश आ जाता है। उदासीन आवेश क्या होता है, जिस पर कोई आवेश नहीं होता था, 0 आवेश या 0 आवेश। उदासीन अवस्था में क्यू पॉजिटिव प्लस क्यू ना आवेश के गुण होते हैं। आवेश दो प्रकार के, समान आवेश के दो गुण होते हैं, समान को आवेश, समान में प्रतिकर्षण होता है और असमान में आकर्षण होता है। इसमें पॉजिटिव प्रतिकर्षण और पॉजिटिव नेगेटिव रिफ्लेक्शन। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव होता है आकर्षण, पॉजिटिव नेगेटिव में आकर्षण प्रतिकर्षण। चलिए यह हो गया हमारा फर्स्ट चैप्टर, इसमें हमने सब अधिकतम सारी जानकारी प्राप्त कर ली। इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चन अपने ITI के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि हम अच्छे से पढ़ लेना है और एक बार हमें बुक्स की सहायता से इनको अच्छे से समझ लेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सारी टॉपिक्स या वीडियोज जो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो अच्छे से अच्छे पढ़िए और अपने एग्जाम में अच्छे से स्कोर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।